हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैटी लीवर के बारे में बताऊंगी। फैटी लीवर क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, क्या कारण है और कैसे आप इसका उपचार कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो जिनको ये समस्या है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। फैटी लीवर, हमारा जो लीवर होता है, जब उसमें कोई फैट जमा होने लगता है या अपने साइज से वो बढ़ने लगता है तो वो फैटी लीवर की कैटेगरी में आ जाता है। अगर ये फैट 5-10% होता है तो चल जाता है। नॉर्मली लोगों का 5-10% सभी का बढ़ जाता है तो उसके कोई सिम्टम ज़्यादा खास नहीं आते और लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब लीवर पे फैट 5-10% से ऊपर होके बढ़ने लगता है तो तब लोगों को परेशानी होने लगती है, सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, तो तब उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। लीवर का जो काम होता है वो हमारी बॉडी में बाइल्स बनाता है, बाइल जूस बनाता है, फिर गोल ब्लैडर में उसको भेजता है, जो कि भोजन पचाने के लिए बहुत सहायक होते हैं। जितना भी फैट होता है या वसा होती है उसको तोड़ने का काम करता है और विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जब भोजन पचाने का काम होता है उससे जो ब्लड बनता है तो वो दोबारा लीवर में जाता है और वहाँ से साफ होके आता है। लेकिन कई बार जब लीवर का फंक्शन सही नहीं होता या किन्हीं कारणों से, तो वो क्या करता है, जो ब्लड में फैट होता है तो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है या फिर पूरी बॉडी में उस फैट को भेजने लगता है ब्लड के जरिए। अगर वो पूरी बॉडी में भेजता है तो इसका मतलब हम मोटे होने लगते हैं, हमारा मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो अपने अंदर स्टोर करता है तो हमारा लीवर फैटी लीवर होने लगता है, लीवर पे फैट जमा होने लगता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमारा लीवर फैटी लीवर हो गया है। आइए अब इसके कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो मेन कारण है वो शराब पीने से होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, हद से ज़्यादा पीते हैं, तो उनको 90% चांस होते हैं फैटी लीवर होने के। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि हम तो शराब भी नहीं पीते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो हमें फैटी लीवर हो गया है, तो उसको NAFLD के कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। इस कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग 5-10 पहले बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते थे, लेकिन अब उन्होंने आके शराब छोड़ दी है और वो शराब का सेवन नहीं करते हैं, तब भी वो कहते हैं कि जी हम तो शराब नहीं पीते हैं। लेकिन जो उन्होंने पहले शराब पी हुई होती है उसकी वजह से भी लीवर पे इफेक्ट आने लगता है, तो इस वजह से भी होता है। लेकिन कई लोग पूरी तरीके से शराब नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ कारण हैं, जैसे कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जिन लोगों का मोटापा अधिक बढ़ जाता है या किसी भी कारण से, या तो वो डायबिटीज़ की वजह से या फिर और किसी बीमारी की वजह से, तो उन लोगों का भी लीवर है वो फैटी होने लगता है। या फिर आपके खान पान में गड़बड़ी आने लगती है, जैसे कि आप रिफाइंड ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं या फिर पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, डेयरी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने के साथ ठंडा पानी पीते हैं, तो उन लोगों को भी फैटी लीवर हो जाता है। कई लोग मांस आदि का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में घी का सेवन करते हैं, मलाई आदि, दूध, जितने भी फैटी फूड होते हैं उनका बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, तो उनको भी फैटी लीवर होने की संभावना होने लगती है। या किसी ने मोटापे की सर्जरी करवाई है तो उसकी वजह से भी। कुछ लोग दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर कैंसर से रिलेटेड दवाई खा रहे हैं, तो उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। तो आइए आप जानते हैं इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर लीवर पे फैट 5-10% है तो आपको कोई सिम्टम नज़र नहीं आते, लेकिन जब इससे ज़्यादा फैट बढ़ने लगता है तब आपको पता लगने लगता है। जो हमारी राइट साइड होती है और वो पेट से थोड़ा ऊपर, आपको कभी कभी दर्द महसूस होता है, भूख कम लगने लगती है, तेजाब बनने लगता है और सीने में जलन सी होने लगती है। भूख कम लगने की वजह से आपका फैट भी कम होने लगता है, लेकिन पेट आपका बढ़ने लगता है। फैट कम होगा लेकिन पेट पे चर्बी आती जाएगी, शरीर में थकावट बनी रहेगी, कमजोरी आने लगती है, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप थके थके से रहते हो। खाली फैटी लीवर है तब आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे लीवर में सिरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम नज़र आ रहे हो या कुछ भी हो तो आपको एकदम से सावधान हो जाना चाहिए और इसका उपचार जरूर करना चाहिए। आइए अब इसका उपचार जानते हैं। उपचार में सबसे पहले आपको ये ही करना है कि जिस कारण से भी आपकी बीमारी हुई है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, जब तक आप उसके कारण को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी तरह की दवाई खा लीजिए, देसी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सबसे पहले आपको कारण को ख़त्म करना जरूरी होता है। आप शराब पीते हैं या खाना खा
खाके लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तले हुए ज्यादा पदार्थों का सेवन करते हैं, वो कारण आपको खत्म करना है। नियमित रूप से एक्सरसाइज भी आपको करनी है, आपको ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, फ्रिज की जितनी भी चीजें हैं, बासी चीजें हैं, पिज्जा बर्गर, ये सब आपको बिल्कुल बंद करना है कुछ दिनों के लिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तो आपको बिल्कुल बंद करना है। डेयरी प्रोडक्ट ये सब आइसक्रीम वगैरह आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। और जो लोग मांस आदि का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं तो वो कम से कम करें या ना करें। फैटी लीवर में आपको खासकर ब्रोकली और सोयाबीन और पालक, इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए आप जानते हैं आप क्या क्या इस्तेमाल में करना है। आपको नींबू, अदरक, लहसुन किसी न किसी रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको दालचीनी का काढ़ा पीना चाहिए, अलसी जो होती है फ्लैक्सीड जिनको बोलते हैं, तो उसका आप पाउडर बना लीजिए और उसका एक एक चम्मच आपको नींबू पानी के साथ सुबह शाम पीना है। आपको अखरोट और बादाम भिगोकर आपको जरूर खाने चाहिए, ये बहुत अच्छे होते हैं जिनको फैटी लीवर है। कैसा भी फैटी लीवर हो, अगर आप नियमित तौर पे बादाम, 4-5 बादाम, अखरोट, इन सब को भिगोकर खाते हो तो जल्दी ही आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इमली और आलू बुखारा, 4-5 आलू बुखारा, जो सूखे हुए आलू बुखारे होते हैं उनको लेकर आना है, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगे, और साथ में इमली, इमली का 1-2 टुकड़ा और 5 आलू बुखारे को रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को पीना है, और वो जो आलू बुखारे होते हैं उनको भी खाना है। इमली को आप अच्छे से हाथों से मैश कर लीजिए पानी में, और उसका जो छिलका होता है और बीज होते हैं उनको आप फेंक दीजिए, और जो आलू बुखारा होता है उसका आपको पल्प खाना है, पानी पीने के बाद आपको उसका पल्प खाना है, बीजों को फेंक देना है, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरा, आप सूखे मेवे जितने भी होते हैं उनको पानी में भिगो कर प्रयोग कर लीजिए, ये फैटी लीवर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, उन लोगों को चाय कॉफ़ी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और शराब आदि का सेवन करते हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको बिल्कुल ठीक होना है तो शराब का सेवन बिल्कुल आपको बंद करना है। हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, फ्रूट्स खा सकते हैं, और गर्म पानी पीजिए। आपको हर समय गुनगुने पानी का या गर्म पानी का सेवन हर समय करते रहिए तो जल्दी ही आपकी फैटी लीवर जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। और एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी है तो आपको ये बीमारी कभी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।